कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिक संगठन ने शहीद स्मारक पर एकत्र होकर भारत के वीर शहीदों को याद करते हुए वीर जवानों के अदम्य साहस को सबके समक्ष रखा। इस दौरान कारगिल युद्ध में शहीद गोविंद सिंह पपोला की वीरांगना पत्नी प्रेमा पपोला ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं से महरूम रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेरे पति गोविंद सिंह पपोला के नाम पर बिंदुखत्ता में कोई भी स्मारक नहीं बनाया गया है। उनके नाम पर एक रोड बनाई गई जो कि खस्ताहाल हालत में उनके नाम का बोर्ड भी अपने निजी खर्चे से लगाया गया है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। आज विजय दिवस के अवसर पर पूरे देश में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी अपने देश के लिए इस माटी के लिए अपने खून के नछौर किया है, इसलिए हम उन सैनिकों के लिए आज विजय दिवस के अवसर पर विजय दिवस मनाते हैं। हमारे देश के 527 सैनिक उस विजय दिवस में शहीद हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया है और अपने बाल बच्चों को छोड़ करके वो देश के इस माटी के लिए उन्होंने अपने देश के लिए आहुति दी है। यही सबसे बड़ी बात है। कोई रोड नहीं था लालकुआ से, तो उस टाइम सारे नेतागण आए, सब मंत्री लोग आए, तो हमारे गांव के जो ये नेतागण ने कहा कि रोड के लिए बोलो, रोड के लिए बोला। मैंने यहाँ से देहरादून भी गई, वहां से 6 महीने भी नहीं हुए थे मेरे पति को शहीद हुए, एक पानी की बोतल से मैंने रास्ता काटा। यहाँ से ये स्मारक से रोड, यहाँ से उनके नाम से रोड आई हमारी कार रोड तक। अभी तक एक नाम नहीं है मेरे पति का इस रोड में। मुख्यमंत्री का ये था कि ऑर्डर सारे शहीदों के नाम से सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल और रोड जो है शहीदों के नाम से होना चाहिए। अभी हमारे क्षेत्र विधायक को मैंने 50 बार गुहार लगा दी है ये स्मारक के लिए। मैंने खुद पहले सबसे शुरू में पहले स्मारक के लिए भी मैंने कहा ये स्मारक जो है कि पपोला जी के नाम से जगह मिली गई है। तो इसमें नेता जो है ये कार्यकारिणी जो है जिंदू ने सब अपना नाम डाल दिया, वो भी मैंने पत्थर हुआ है यहाँ सही स्मारक में जिंदू का नाम क्यों, पेपर में भी आया सब कुछ आया, यहाँ पर अमरण अनशन की भी धमकी दी, वो पत्थर हुआ गया। अब जो ये बना है पत्थर शहीदों के नाम से, लेकिन अभी तक कोई भी शहीदों के नाम से यहाँ रोड में कभी पत्थर नहीं है। कारगिल लड़ाई के दौरान हमने तकरीबन 100 दिन भूखे रह करके हमने लड़ाई नहीं किया। हमारी यूनिट प्रथम नाका थी जिसको टास्क मिला था सबसे पहले, क्योंकि हमने श्रीनगर में 6 महीने के अंदर 28 मिलिटेंट को मारा था, इसलिए हमको सबसे पहले हमको टास्क में दिया गया कि कारगिल में कुछ यानी कि मिलिटेंट्स आए। वो ये पता नहीं था कि कारगिल 80-90 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में 12-13 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी घुस करके हमारे पूरे एरिया को कब्जा करके लिया हुआ करके, ये पता नहीं था। इसलिए इस लड़ाई में हमारे देश के 527 जवान शहीद हुए और तकरीबन 2 महीने से ज्यादा ये युद्ध रहा, और इस युद्ध में हमारे तमाम जितने भी किलोमीटर के इलाके में जो अंदर घुसपैठ की थी उनको हमने पूरा वो अपना इलाका ले लिया, और उसमें काफी हमारे जान माल की, हमारे हथियार और हमारी गाड़ियां काफी इतना नुकसान हुआ हमारे देश का, लेकिन हमारे जवानों के अदम्य साहस ने इस युद्ध में विजय हासिल की।